हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडुकेशनल गुरु। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का पोयम फायर एंड आइस, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो इस पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बताना चाहते हैं जब ये दुनिया खत्म होगा तो वो मेनली दो चीजों पे बेस्ड रहेगा। पहला, फायर। ये वर्ड ह्यूमन इमोशन को सिंबलाइज कर रहा है, अबाउट डिजायर, ह्यूमन के जो इच्छाएं होती है उसको ये सिंबलाइज कर रहा है। और दूसरा जो वर्ड आइस है, वो ये हेटरेट के लिए यूज किया गया है, यानी फायर डिजायर के लिए, ह्यूमन डिजायर के लिए, और आइस ह्यूमन के हेटरेट जो नफरत होती है उसको सिंबलाइज कर रहा है। तो जैसे आग फायर काफी रफ्तार से एक तेजी के साथ फैलती है और जिसकी वजह से काफी सारा तबाही डिस्ट्रक्शन होती है, वो भी पलक झपकते के साथ बिल्कुल कम टाइम में, तो ठीक इसी प्रकार अगर हमारी डिजायर इच्छाएं अगर हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए तो ये भी हमारे लिए, किसी के लिए भी एक तबाही का रूप ले सकती है और बर्बाद कर सकती है। तो ठीक ऐसे ही जो हेट्रेट है, नफरत है, ये भी एक तबाही को लाती है, लेकिन धीरे धीरे, ठीक एक बर्फ आइस जैसे। तो फर्स्ट स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन हम लोग शुरू करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर टू फेवर फायर तक। तो इस स्टेंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जो पर्सन, जो लोग फायर के सपोर्ट में हैं, कि ये दुनिया फायर की वजह से, यानी लोगों के डिजायर की वजह से ये दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंसान की इच्छाएं इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और इस वजह से ये वर्ल्ड तबाह हो जाएगा। लेकिन वहीं जो लोग सोचते हैं और आइस का सपोर्ट करते हैं, यानी ये सोचते हैं कि ये दुनिया हेट्रेट, नफरत की वजह से तबाह होगी, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को फ्रीज कर देगी, बिल्कुल ठीक आइस जैसे फ्रीज होती है, सेम वैसे ही। वैसे ये दुनिया का अंत कैसे भी हो, क्योंकि अगर साइंटिस्ट की माने या तो ये बढ़ती गर्मी की वजह से भी ये दुनिया खत्म हो सकती है, यानी नेचुरल कैलमिटी की वजह से अर्थक्वेक आ सकते हैं, यानी पूरी दुनिया ठंडी पड़ सकती है आइस के जैसे, लेकिन ये साइंटिस्ट का मानना है। लेकिन पोएट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो ये दुनिया फायर, यानी लोगों के डिजायर की वजह से खत्म हो सकती है, नहीं तो आइस यानी नफरत हेट्रेट की वजह से। तो पोएट इन दोनों को फेवर कर रहे हैं। अब हम लोग सेकंड स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस स्टेंजा में पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि अगर आप किसी से आगे निकलना चाहते हैं तो आप हर कोशिश करते हो, और ऐसा करते करते आप उस इंसान से नफरत करने लगते हो और सोचते हो कि कैसे भी करके उस इंसान को हरा दें, और यानी और यही इमोशन धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि हम ये बिल्कुल भी भूल जाते हैं कि हमारी रिलेशन आपस में जो हमारी बॉन्डिंग होती है वो कितनी अच्छी थी, लेकिन ये सब भूल जाते हैं और सिर्फ नफरत करने लगते हैं। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी इच्छाएं हम पे हावी हो जाती है। तो बस इसीलिए पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये कहना है, ये मानना है कि दुनिया का अंत फायर और आइस से ही होगा, यानी कि डिजायर और नफरत की वजह से ही होगा। सो स्टूडेंट, दिस वॉज द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोयम। वैसे अब आप लोग कोई भी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिजल्ट 10th एंड 12th ऑफ ऑल स्टेट को बस एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर मोर विजिट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आने के साथ साथ समझ में भी आया होगा। सो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।